जानकी बुढ़िया गुम्मी गुम्मी आई है, गुम्मी गुम्मी। घूमना बहुत पसंद है तुझे। मन तो कर रहा है कि ऐसा घुमाऊं तुझे कि तू हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। वो तो यहां पर मुझे प्रीता जी के साथ आना था, इसी वजह से तेरा सहारा लेना पड़ा, पर उस बड़बोली सृष्टि ने मेरा मूड खराब कर दिया। घूमी घूमी करेगी। हाँ बोलो बेबी। पुनो तुम कहाँ हो? मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ये फुटवेयर शॉप के बाहर। तुम कहाँ हो? अच्छा तुम्हारे को मैं आ रही हूँ। ओके। बेबी टेंस लग रही थी। अरे ओ जानकी बुढ़िया, यहाँ मैं टेंशन में, वहां मेरी बेबी टेंशन में, दोनों टेंशन में। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ तो चलती है, पर मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए चलती बंद कर दूंगा, समझी? क्या हुआ बेबी, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मैंने अभी भी सृष्टि को प्रीता से बात करते हुए सुना। वो प्रीता को कह रही थी कि प्रीता को तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए। पहले वो मीरा राज खोलना चाहती है, उसके बाद मोनिशा का, और उसके बाद वो सोचेगी कि तुम्हारी और प्रीता की शादी होनी चाहिए कि नहीं। अगर मेरा राज खुल गया ना तो तुम्हारी शादी होगी और ना ही मेरी शादी होगी। तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा, तुम बदला नहीं ले सकते, हम फेल हो जाएंगे, और ये सब हो रहा तुम्हारी वजह से। ये मेरी वजह से? अब मैंने क्या किया? क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता जी के लिए धड़कने लग गया है, और ये तुम जो वन साइडेड बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करते हो ना, उसकी वजह से तुम निकम्मे हो गए हो। अरे तुम इतने शार्प हुआ करते थे, तुम्हारे दिमाग में जंग लग गई, स्टूपिड हो गए तुम। पृथ्वी होश में आओ, कुछ करो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं मेरी और पिताजी की शादी पोस्टपोन कर दूंगा। अब सबसे पहले तुम्हारी और ऋषभ, तुम दोनों की शादी होगी। हाँ बेबी, आज जब मैं पिताजी के घर गया था ना, तो वहां पर डॉक्टर आया हुआ था। क्यों? इस जानकी बुढ़िया का चेकअप करने के लिए। पता है उस डॉक्टर ने क्या कहा? कि ये जानकी बुढ़िया स्लो पॉइजन की तरह स्लोली स्लोली ठीक हो रही है। हाँ, और अगर ये ठीक हो गई ना, तो तुम और मैं, हम दोनों हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारा पर्दाफाश कर देगी, हमारी पोल खुल जाएगी, और फिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है। इसे पता है? कैसे? अरे ये जानकी बुढ़िया को मैंने ही बताया था, ये गुड न्यूज इसे मैंने ही दी थी। तो पागल हो गए हो क्या? किसी दिन ये बुढ़िया अचानक से खड़ी हो गई तो, और इसे हमारे बारे में सबको बता दिया तो? बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा वही जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा, जो मंजूर है जानकी बुढ़िया होगा। यस बेबी, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम सही बोल रही थी, मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल गया था। बट डोंट वरी, आई एम बैक। अब मुझे पता है कि चारों तरफ जो मेरे दुश्मन है ना, करण, ऋषभ, ऋत्विक और ये जानकी बुढ़िया, इन लोगों को मुझे अपने रास्ते से कैसे हटाना है। तुम डायलॉग बाजी कम करो, मुझे ये बताओ तुम क्या करोगे। नाउ नो डायलॉग बाजी, ओनली एक्शन। अब मैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन को, मतलब कि नंबर वन दुश्मन को रास्ते से हटा दूंगा। कौन? सुनो, लेकिन ये तुम करोगे कब? अब, अभी, इसी वक्त, यहीं पर, इस मॉल में, डेथ इन द मॉल ऑफ जानकी बुढ़िया। ये जो प्रीता है मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या मंगलसूत्र? क्या फर्क पड़ता है, उनके चॉइस है, उनको लेने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, ये इसकी पसंद नहीं, पृथ्वी की पसंद है। अरे मेरे पगलू, क्या फर्क पड़ता है, तू ये छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती और ना ही रखनी चाहिए। आई होप अभी ज्यादा देर नहीं हुई। इसके लिए
शादी के लिए थी। देखो मैं अभी भी बता रही हूँ, शादी अभी तक हुई नहीं है, इसका मतलब अभी भी देर नहीं हुई है दी। What? क्या बोल रही है तू? प्लीज ये शादी मत करो यार। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कुछ बोलना था तो पहले बोल। अरे मेरा मतलब सृष्टि, ये शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो चुकी है और आज हम मंगलसूत्र सिलेक्ट करने के लिए आए, और तू कह रही है कि पृथ्वी जी से शादी मत कर क्योंकि पृथ्वी जी तुझे पसंद नहीं है। हाँ, करण लूथरा से शादी कर लो क्योंकि उनकी तू बहुत बड़ी फैन है, राइट? कोई लॉजिकल बात बोले तो समझ भी आए। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप करण से शादी करो। आपकी जोड़ी कितनी फिट है आपको पता है? वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स, बिल्कुल वैसा। करण से शादी कर लो ना। पागल हो गई तुम? चुप करके बैठ, कुछ भी बोलती है। एक बात ध्यान से सुन ले, पृथ्वी जी तेरे होने वाले जीजू है, जीजू बोलने की आदत डाल रहे। ओह हेलो, उस पटेल ऐसे से फेल को जीजू बुलाए मेरी जुत्ती। पटेल? वो तो मल्होत्रा है। अरे वो जो भी है यार, बस मैं उसको जीजू नहीं बुलाऊं, और वैसे भी वो सामी को भी नहीं पसंद है। सॉरी, किसे? समीर। ओह समीर, समीर बीच में कहां से आ गया? मैं तो जनरली बात बोल रही हूँ यार, आप तो मारना ही शुरू कर देते हो। मंगल, लोग यहाँ हो? मैं गलती से गलत शॉप में चला गया था। ओ, गलत फ्लोर पे चला गया था, मालूम नहीं था ना। तो गलती से नहीं गया था तू, तू गलत इरादे से गया था लड़कियों को घूरने। क्या 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 बोल रहे हो करण भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शरीफ लड़का हूँ। बोलो ना ऋषभ भैया, मैं देख लो क्या कह रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सच में ऐसा नहीं है? सच में ऐसा नहीं है? अच्छा, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ समय, नहीं नहीं करण भाई, आप गलत कह सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं लड़कियों को ही घूर रहा था, बार बड़ी क्यूट क्यूट लड़कियाँ आई थी मॉल में। चौक, अभी पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है। सृष्टि, अरे क्या कर रहे हो? तूने तो अभी बोला ना कि ऐसा नहीं है। हाँ तो सृष्टि को नहीं, तो लड़कियों को घूर रहा था ना। हाँ तो फिर क्या फर्क पड़ता, तो सृष्टि को बता देते कि लड़कियों को घूर रहा था। अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने घर की है ना, अपनी है, उसको तो हम बता ही देते, कितने सब कुछ बता देते हैं हम। क्यों वो तो डर क्यों रहा है? मतलब तेरे साथ सृष्टि का ऐसा थोड़ी ना, ये ऐसा है तो फिर डर क्यों है? आप दोनों मेरी मेरी क्लास ले रहे हो। सृष्टि एक मिनट दी, फिर से कह रही हूँ, सोच लो, पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ तो पूरी जिंदगी निभाऊंगी शादी। अरे दी, यही तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ शादी निभाते रहो। मैं चाहती हूँ कि आप जिंदगी भर जिंदगी जियो, प्यार से जियो, प्यार के साथ जियो, जी भर के जियो। यू नो व्हाट आई मीन? आर यू? लेकिन हरे सब जी बोलिए। हाँ नहीं, मैं नहीं बुला रहा था, समीर बुला रहा। हाँ बोल 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 बोल। हाँ बोलना कैसा नहीं है, बोल। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मतलब ये तुम्हें और मतलब बाहर लड़कियों को घूरना करना वो सब, तो जैसे कि लड़कियां फिर अंदर आई तो फिर ये अंदर आया, और फिर ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, मतलब कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि लड़कियों को घूरना करना और फिर यहाँ पर आके तुम्हें देखना, मतलब वो थोड़ा वैसा है। मैं तो चाहती हूँ कि आप करण से शादी करो। आपकी जोड़ी कितनी फिट है आपको पता है? वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स, बिल्कुल वैसा। बीबी तुम एक काम करो, तुम ना यहां से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त ये जो सीढ़ियां है ना, यहां से इसे ठक धक्का मार के इसका दी एंड कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, यहां पे बहुत सारे लोग हैं और सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। एक काम करो, इस बुढ़िया को कोई सिक्योरिटी कोने में लेकर जाओ और वहां से धक्का मार दो, ठीक है? यहां पे नहीं। परफेक्ट। अच्छा ठीक है, बाय। चले जान की बुढ़िया, चलो चले बुढ़िया।
जानकी जानकी, तू क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई? मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता, बट कंडीशंस अप्लाई। अगर तू इसी तरह साइलेंट मोड पर बेजान लाचार बनकर रहे तो, बट अब बहुत लेट हो गया है। अब मैं तुझे परलोक, ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग लाइक योर गॉड। यू नो व्हाई? मैंने तुझे धक्का मारकर तुझे इस कुर्सी पर बिठाया, और अब मैं ही तुझे मौत की कुर्सी पर बिठाने वाला हूं। आई विश, यू विल ऑल्सो विश ऊपर जाने के बाद, कि तेरे मन में बोलने चलने की इच्छा जागृत ना हुई होती, है ना? बुढ़िया, तूने मुझे बहुत टेंशन दी है। दिन रात तेरे बारे में सोचता हूं कि कहीं तू ठीक ना हो जाए, चलने ना लग जाए, बोलने ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं गया काम से। तू मेरा पर्दाफाश कर देगी ना? पर नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बुढ़िया, तेरी वजह से ना मैं कुछ सोच भी नहीं पाता, ना अपने होने वाले बच्चे के बारे में, ना अपने प्यार के बारे में, यानी कि प्रीता जी के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोच पाता। पर कोई बात नहीं, मेरे साथ जो इतना गलत हो रहा है ना, इस गलत को मैं सही कर दूंगा। और वैसे भी तूने मेरी प्रीता जी का मंगलसूत्र तो देख ही लिया है, अब तो तेरे जीने का ना कोई मकसद और ना ही कोई फायदा, तो चले ऊपर वाली सीढ़ियों से तुझे सीधा ऊपर जन्नत की सैर करवाता हूं। क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। प्रीता जी, जरा पहन के तो दिखा, तुझे अच्छा लग रहा है तो फिर हम ले लेंगे। हांडी, बहुत अच्छा है, गुड चॉइस। अरे करण पुत्र, एक बार प्रीता को तो दिखा, उससे पूछ कैसा लगा उससे। अदी, ट्राई करके देखो ना प्लीज। हाँ, सृष्टि रिक्वेस्ट कर रही है, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबको पहन के तो दिखाओ एक बार, राइट? ये देखिए, कैसा लग रहा है पता देखो। बहुत सुंदर लग रहा है। संदा जी, ये कहिए कि प्रीता ने पहना है इसलिए सुंदर लग रहा है, या फिर मेरे करण की पसंद है इसलिए सुंदर लग रहा है? ओह, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ और देखते हैं। हाँ ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप अंदर से कुछ और डिजाइन ले आइए, फिर शायद इसे पसंद में आ जाए। Yes, Harshan, I'm sorry, Varsha. I want to meet the owner of the showroom. Actually, आप जो कुछ भी दिखा रही हैं, जो डिजाइन दिखा रही हैं, वो ओल्ड फैशन है, और मेरी प्रीता के लिए, मेरा मतलब है प्रीता के लिए मुझे लेटेस्ट डिजाइन दिखाइए आप। So, shall I meet the owner? सर, हमारे ओनर ज्वेलरीज के नए कंसाइनमेंट लेके बस आते ही होंगे, रॉयल ज्वेलरीज और मंगलसूत्र भी होंगे, पर थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। एक्सक्लूसिव है मेरी दोस्त, हर चीज एक्सपेंसिव ही डिजर्व करती है। दिखाइए। माँ, मैं अभी आती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स, एक्सक्यूज मी। सृष्टि, इतना अच्छा शोरूम है यहाँ पर, इतनी सारी लड़कियाँ अपने लिए कुछ ना कुछ ज्वेलरी ले रही हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? चलो, कम ऑन, गो अहेड, अपने लिए कुछ ना कुछ ले लो, एक दो चीजें। नहीं, थैंक यू ऋषभ जी। अरे, सारी लड़कियां खरीद रही हैं तो तुम क्यों नहीं? अरे, बात ये है कि इसके अंदर लड़कियों वाले शौक ही नहीं है ना। अरे, तुम चुप रहा करो यार, तुमसे पूछो तो ही बोलना है क्यों नहीं है उसके अंदर। थैंक यू ऋषभ। एक्सक्यूज मी, आप इनके लिए ना कुछ अच्छा सा, मैं कैसे बताऊं, अब कुछ अच्छा सा वेस्टर्न सा इनके लिए कुछ डिसाइड कीजिए। हमारी सिस्टर बहुत वेस्टर्न, इनके लिए कुछ अच्छा सा, कुछ वेस्टर्न रिंग निकालिए, यू नो, अच्छी सी कुछ रिंग निकालिए अच्छी सी। कम ऑन सिस्टर, गो। हाँ, रिंग्स। तुम्हें रिंग्स पसंद है? हाँ, मुझे रिंग्स पसंद है, और वैसे भी रिंग्स ज्वेलरी थोड़ी ना होती है, फैशन होता है, फैशन। Come on, go decide it for yourself. हाँ, मज़ा। अरे ऋषभ भैया, आपको कैसे पता उसको रिंग्स पसंद है?
अरे सिंपल चीज है, मैंने अंधेरे में तीर चलाया था, अगर उसको पसंद नहीं होती तो वो मुझे बोल देती ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे कुछ और पसंद है। सिंपल एज दैट। अरे वाह ऋषभ भैया, आप तो बड़े चुपर उस तुम निकले, उसकी पसंद के बारे में इतनी इजीली पता लगा लिया, दिल में जो बात है इतनी आसानी से बोल दी। आई एम इंप्रेस्ड ब्रो। ये देखिए मैम, इंडो वेस्टर्न डिजाइन और सब लेटेस्ट। थैंक यू वर्षा। जिसे बोलना चाहता था उसको तो बोल नहीं पाया। क्या कुछ कह रहे थे? किसको किसको बोलना था? क्या यहाँ आपने कुछ बोला ना? ये वाले नहीं, ये वाले बस आंटियों वाले। जब तक प्रीता जी से अपने दिल की बात नहीं कही थी, मेरी नजरें हमेशा उस मौके को ढूंढती थी जब उस मौके पर मैं अपने दिल की बात उनको बोल सकूं। तब तक तो यही सोचता था कि जब कहूंगा तो वो मेरे दिल की बात जरूर समझ जाएंगे। पर जिस दिन कहा, उन्होंने मेरी बात को हंसी में डाल दिया। ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। ये देख, माय गॉड, कितनी सारी और कितनी प्यारी रिंग्स है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। वाओ, ये वाली काफी डेलिकेट सी लग रही है ना। माय गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं सैमी, ऋषभ जी यहाँ आइए ना। इतनी सारी रिंग्स है और इतनी खूबसूरत है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी सिलेक्ट करो। हेल्प कीजिए ना प्लीज। आई थिंक दिस इज नाइस। ये वाली ना, आपको पता है ऋषभ जी, ऐसी सेम मेरे पास है लेकिन नकली है। सेम है। राखी जी, जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ? प्यार है, करण का प्यार। सला जी आपको पता है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, महेश जी मुझे गहने दिलाने ऐसे ही ज्वेलरी के शोरूम में ले आए। मैं ज्वेलरी पहन के उनको बताती और वो कहती नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और ट्राई करो। मैं कुछ और ट्राई करती, उसके बाद कहते नहीं, ये भी सूट नहीं हो रहा है। अरे ऐसे करते करते शाम बीत गई, लेकिन हमने एक भी जेवर नहीं खरीदा। फिर क्या था, अगले दिन दोबारा मुझे किसी और शोरूम में ले गए और फिर वही, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और देख लो। महेश जी बिना और हम घर लौट गए। और पता है क्या, जब मम्मी जी को पता चला कि हम खाली हाथ आए, महेश जी ने मुझे कुछ नहीं दिलाया, तो मम्मी जी महेश जी के ऊपर बहुत गुस्सा हो गई, डांटती जोर जोर से महेश जी को। उन्होंने कहा, महेश तू राखी को तो अपने साथ ले जाता है लेकिन कुछ दिलाता ही नहीं, तुझे पसंद क्या आता है? और आपको पता है महेश जी ने क्या कहा? क्या कहा? मुझे राखी जी पसंद है। राखी जी के सामने सारे जेवर फीके पड़ जाते हैं। जो चमक राखी जी के चेहरे पे है वो किसी जेवर में नहीं। दरअसल बात ये थी कि नई नई शादी हुई थी ना, महेश जी वो सेल्स गर्ल्स को कहते नई डिजाइन सिखाओ, लेटेस्ट डिजाइन दिखाओ, ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। और आज करण बिल्कुल वही कर रहा है जो उसके पापा जी किया करते थे। अपनी दिल की बात आपसे कहूं सरला जी? जी। अगर प्रीता का रिश्ता पृथ्वी के साथ नहीं हुआ होता तो मैं आपसे प्रीता का हाथ मांगती अपने करण के लिए। सरला जी, ऐसा होता तो आप हाँ बोलती ना? मैम, वर्षा ने बताया कि आपको अपने बहू के लिए और भी डिजाइन देखने थे। जी। तो हमारे बैक साइड में शोरूम है, मैं वहां का स्टॉक यहाँ ले आया, ये देखिए। हाँ, ये कुछ अलग से। मैम आप कहे तो मैं आपकी बहू को यहाँ बुला लाऊं? आई मीन वो ट्राई करके देख लेंगे। शोलिन आ गई? हाँ वही है ना आपकी बहू। हमें तो यही चाहिए थी, मेरा मतलब है कि होनी तो यही चाहिए थी, लेकिन मेरी होने वाली बहू शर्लिन है, वो बस अभी आ जाएगी। सॉरी मैम। हेलो मिस्टर लुथरा, कैसे हैं आप? ओ मिस्टर लुथरा, हाउ आर यू डूइंग? गुड गुड गुड।
मेरे स्टाफ का कॉल आया था कि आप यहाँ फैमिली के साथ आए हैं। जी जी सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं कोई बात। सुनो ये नया कंसाइनमेंट है, वो नेकलेस वाला बॉक्स खोल के दिखाओ इन्हें। रुद्रा फैमिली को द बेस्ट डिजाइन द बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए। ओके कंसाइनमेंट आ गया क्या? हाँ कंसाइनमेंट आ गया है, मैंने काउंट किया है, बहुत बड़ा माल हाथ में लगने वाला है। ओके बॉस। आप एक बात कहूँ राखी जी? जी। अगर आप मुझसे प्रीता का हाथ मांगती ना करण के लिए, तो यकीन मानिए मैं मना नहीं करती। मैं खुशी खुशी अपनी प्रीता का हाथ करण के हाथ में दे देती और प्रीता को आपके घर की बेटी बना देती।